फिर मैंने एक दिन अपने मोबाइल से उन लोगों के लिए प्रशासन को फोन किया। और जिला प्रशासन और गरीबी के बीच की कड़ी बनी एक महिला अधिवक्ता। आपको बता दें, जी हाँ, रिचा सक्सेना, जिन लोगों के पास मोबाइल नहीं है या मोबाइल है तो बैलेंस नहीं है, गरीब लोगों के पास, या अधिकारियों से बात कर से घबराते हैं, उनके बीच की कड़ी बनी है महिला अधिवक्ता रिचा सक्सेना। रिचा सक्सेना ने एक ऐसी जिम्मेदारी उठाई, हम आपको दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी, जो बेहद काबिले तारीफ है, जिससे गरीबों का भरपूर पेट भर रहा है। और किसके सहारे? एक महिला अधिवक्ता रिचा सक्सेना के सहारे, क्योंकि वो बीच की कड़ी, जिला प्रशासन और गरीबों के बीच की कड़ी कैसे बनी, हम आपको सुनवाते उन्हीं की जुबानी। जी भाई, मैंने बस जिनके पास मोबाइल, बहुत गरीब तबका ऐसा है जिनके पास आज की तारीख में भी कोई भी मल्टीमीडिया या किसी भी तरीके का PNT मोबाइल फ़ोन नहीं है, और वो बेचारे पर डे कमाते थे और खाते थे, उनका कोई भी प्रशासन से संपर्क करने का कोई भी जरिया नहीं था। मैंने, वो मुझसे आए मिले ऐसे लोगों से, मैं टच में हुई, फिर मैंने एक दिन अपने मोबाइल से उन लोगों के लिए प्रशासन को फ़ोन किया, उनके कंट्रोल रूम पे, उनको उनकी सारी बताई। तो मुझसे सवाल किया गया कि आप अपने फ़ोन से ही क्यों कर रहे हो, आप उन गरीबों के फ़ोन से फ़ोन कीजिए। तब मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि जिसके पास फ़ोन नहीं है भैया, तो वो कैसे करेंगे। इसलिए आज मैं परेशान होकर, इनकी परेशानी देख के, मैं अपने मोबाइल से आपको इनके लिए इनकी आवाज़ बनके, इनको खाना मिले, राशन मिले, क्योंकि ना तो इनके पास राशन कार्ड है, ना इनके पास कोई ऐसा सिस्टम है कि ये खाना आपसे मांग सकें। तो उन्होंने मेरी बात को समझा, प्रशासन ने मेरे को दिलासा दिया, बताया कि ठीक है, आप अपना नोट करा दीजिए और इनके पास बने हुए पैकेट हम जैसा भी होगा आपको उपलब्ध करा देंगे। तो मैंने बस एक ये नई मुहिम चलाई, जिसमें मुझे आप लोगों की सबके आशीर्वाद से बहुत सफलता मिल रही है। मैं पर डे 11 से 12 के बीच में कंट्रोल रूम में फ़ोन करती हूँ, इनके नाम पता नोट कराए थे मैंने, सबके आधार कार्ड, सबका जो भी जिसकी आइडेंटिटी है मेरे पास उपलब्ध है, और मैं रोज़ पर डे इनके लिए सुबह 11 से लेकर 12 के बीच में उनको नोट कराती हूँ कि ये लोग भूखे हैं, इनके लिए आप खाना भेज दीजिए, इनके पास ना तो कोई मोबाइल है, ना आप तक पहुँचने का कोई सिस्टम है, सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सब कानून के दायरे में, हम सब मिल के प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को और राज्य सरकार की इस मुहिम को सफल बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, इस तरीके से मैं इस काम को कर रही हूँ। और अपने जो भी मेरे अपने लिंक है उनके माध्यम से ऐसे लोगों को इकट्ठा करती हूँ, इनके कागज़ को इकट्ठा करती हूँ, ऐसे लोगों से एक तो सोशल डिस्टेंस बनाते हुए मुलाकात करती हूँ, अपने लोगों को समझाती हूँ, और इनके घर घर जाके जो प्रशासन से मैं खाना मंगवाती हूँ वो उनके माध्यम से, या उनके ही जो लड़के आते हैं उनके माध्यम से वहाँ तक पहुँचवा देती हूँ। पढ़ लें। और महिला अधिवक्ता रिचा सक्सेना ने जिला प्रशासन और गरीबों के बीच की कड़ी बन के उनके पेट को भराया। क्यों? क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर मोबाइल उन लोगों के पास नहीं है, या उनके पास रिचार्ज नहीं है, या अधिकारियों से बात नहीं कर पाते हैं। तो बीच की कड़ी, आपको बता दें, जो गरीब लोग हैं वो महिला अधिवक्ता रिचा सक्सेना से संपर्क कर सकते हैं, और घर बैठे उनको पेट के लिए भोजन की व्यवस्था भरपूर वो कराएंगी। उन्होंने इस बात की हामी का